नमस्कार दोस्तों, सामाजिक जानकारी YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, इन दिनों COVID-19 के कारण लॉकडाउन लगा हुआ है और जो COVID-19 का जो कहर है, कोरोना का जो कहर है, वो इतना ज़्यादा फैलता जा रहा है कि हर कोई घर से कोई ना कोई मरीज या तो हॉस्पिटल में एडमिट है या फिर उनके घर में एक या दो लोग कोरोना से पॉजिटिव रिपोर्ट में आ रहे हैं। तो दोस्तों, दिन भर लोगों की सैंपल लिए जा रहे हैं और कोरोना का टेस्ट किया जा रहा है, जिससे बहुत सारे लोग पॉजिटिव रिपोर्ट आती है और कुछ लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव भी आ जाती है। तो दोस्तों, ये जो कोरोना का कहर है, ये पहले बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे बढ़ गया था, अब धीरे धीरे कम होने लगा है। अब वैज्ञानिकों ने और डॉक्टर ने इसमें काफ़ी हद तक सुधार किया है। तो दोस्तों, जब तक कोरोना का कहर पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक आप घर पर रहे, सेफ रहे और मास्क का प्रयोग करते रहे और सोशल डिस्टेंसिंग को यूज करते रहे। तो दोस्तों, आज हमारा ये वीडियो बनाने का जो मुख्य जो उद्देश्य है, वो दोस्तों यही है कि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती जा रही है और कोरोना के जो पेशेंट जो हॉस्पिटल में जो एडमिट है, उनको वेंटिलेटर पर रखा जाता है और उनको ऑक्सीजन के सिलेंडर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इस प्रकार हमारे बहुत से दर्शक ऐसे हैं जिनको समय पर ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पाता और वो बीच में ही दम तोड़ देते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य हमारे दर्शकों की जान बचाना है कि उनको समय पर ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे मिले और वो कहाँ से सिलेंडर भरवाए और इस प्रकार वो किस तरह सिलेंडर की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करके अपने फैमिली के किसी भी पेशेंट को वो किस प्रकार बचा सकते हैं और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक COVID-19 से लड़ाई में जीत जाएं। तो ये हमारा आज का वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर कहाँ से भरवाना है, इसका रजिस्ट्रेशन किस प्रकार होगा और आपको सिलेंडर बड़ी आसानी से चंद ही घंटों में आपको किस प्रकार आपका ये ऑक्सीजन सिलेंडर आपके हाथ में होगा और आप अपने पेशेंट की जान बचाने में कामयाब सिद्ध होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप न करते हुए लास्ट तक पूरी देखना ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए कि आपको ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये ओपन हो रहा है यहाँ पे। हाँ जी दोस्तों, आप अपने गूगल को ओपन करके आपको यहाँ पे वेबसाइट एंटर करनी है, OXYGEN OxygenHRY.in। तो ये दोस्तों यहाँ पे नीचे आ भी गया है OxygenHRY.in। ये वेबसाइट आपको ओपन करनी है। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद इसमें ऊपर हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है 8558893911 और 1075। यहाँ पे आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर पर। और दोस्तों ध्यान रहे, इस वेबसाइट के द्वारा गुरुग्राम एंड फरीदाबाद एक्सेप्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे गुरुग्राम और फरीदाबाद को यहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलेगा, बाकी के जो लोग हैं यहाँ से अपना ऑक्सीजन सिलेंडर ले सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है तो उसको आप दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद एज ऑफ पेशेंट है, तो आपको यहाँ पे जो पेशेंट है उसकी एज लिखनी है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, मानो पेशेंट की एज 38 ईयर हो। इसके बाद दोस्तों एड्रेस वेयर ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे जहाँ भी आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है आप उसका एड्रेस लिखे। जैसे कि आपको हो सकता है कि हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज़रूरत हो तो आप यहाँ पे हिसार लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको आगे इसमें परसेंटेज SP ऑक्सीजन लेवल, तो दोस्तों आपसे परसेंटेज का ऑक्सीजन का जो लेवल है वो पूछा गया है, तो आप यहाँ पे पेशेंट का जो ऑक्सीजन लेवल है वो यहाँ पे लिख दे। और उसके बाद दोस्तों सिलेंडर साइज, स्मॉल या बिग, तो अगर आपके पास एक सिलेंडर पहले खाली है वो यदि स्मॉल सिलेंडर है तो आप यहाँ पे स्मॉल पे क्लिक करें, और यदि आपके पास खाली सिलेंडर ऑक्सीजन वाला अगर बिग है तो आप यहाँ पे बिग पर क्लिक करें। तो ये दोस्तों आप अपने
खाली सिलेंडर के अकॉर्डिंग आपके पास जो सिलेंडर है उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। उसके बाद नेम ऑफ पेशेंट, फिर आपको दोबारा से पेशेंट का जो नेम है वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आधार नंबर ऑफ द पेशेंट, उसके बाद आपने अपने पेशेंट का जो आधार नंबर है यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आगे है मोबाइल नंबर ऑफ द कॉन्टैक्ट पर्सन, जो वहाँ पे पेशेंट का भी दे सकते हो या फिर पेशेंट के पास जो हेल्पर के तौर पे या फिर उसका कोई रिलेटिव रिश्तेदार रहता हो तो आप उसका भी मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख सकते हो। आगे दोस्तों हम देखते हैं फोटोग्राफ ऑफ पेशेंट विद ऑक्सीमीटर शोविंग SP ऑक्सीजन लेवल लेस देन 5 mb एंड डॉक्टर रेसिपेशन। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक फ़ोटो लेके यहाँ पे आपको अपलोड करनी है, चूज़ फाइल, तो यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। तो उस फोटो में दोस्तों आपने अपने पेशेंट का जो ऑक्सीजन जो लेवल है उस वो जो लगा रखा है उसके मुंह पे, उस ऑक्सीजन लेवल के साथ आपको अपने पेशेंट की फ़ोटो खींच के यहाँ पे अपलोड करनी है। और उसके बाद दोस्तों आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आपका ऑक्सीजन सिलेंडर आपको लेने के लिए आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ से आपका हो जाता है। और दोस्तों ध्यान रहे, कोई भी व्यक्ति इस कोरोना काल के दौरान डुप्लीकेट सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर या फिर बिना ज़रूरत वाला व्यक्ति यहाँ से सिलेंडर मत ले, नहीं तो आपको एक बहुत बड़ा नुकसान या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों इस कोरोना काल के दौरान जो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर को खरीद के किसी को ज़्यादा पैसे में ब्लैक में बेच रहे हैं तो उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो दोस्तों वो इन चीज़ों को अवॉइड करें। तो यहाँ से दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद आपको अपने नज़दीकी ऑक्सीजन जो फिलिंग जो स्टेशन बनाए हुए हैं वहाँ से आप अपने खाली सिलेंडर को ले जाके और आप या तो उसको फिलिंग करवा सकते हो, उसको भरवा सकते हो, या फिर सेम साइज़ का सेम किलो का आप दूसरा भरा भराया ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले सकते हो। तो दोस्तों हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे इस YouTube चैनल की वीडियो को लाइक और शेयर करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद दोस्तों।